नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपका डायोड चल रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपके कुछ स्पेशल पर्पज डायोड चल रहे थे दोस्तों, पिछली वीडियो में आपसे डायोड को डिस्कस किया था मैंने। आज हम डिस्कस करेंगे आपका, बात करता हूँ पहले मैं आपकी पी आई एन डायोड की, यानी पिंड पी आई एन डायोड की बात करें, पिन डायोड बोलते हैं इसको हम। देखिए पिन डायोड, यानी इसको बोलते हैं पी आई एन डायोड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों क्या होता है हमारा, ये भी क्या होता है, पी आई एन पी प्लस या आई एन पॉजिटिव प्रकार का क्या होता है डायोड होता है दोस्तों एक, और इंट्रिंसिक मटेरियल को जो प्रदर्शित करता है। इसकी सिंबल की बात करता हूँ तो ये भी किस प्रकार का डायोड होता है, जैसे हमारा पी एन जंक्शन डायोड होता है दोस्तों इसी प्रकार का होता है। बस इसमें क्या होता है हमारा, एनोड बोल दीजिए, कैथोड बोल दीजिए, ठीक है। और सिंबल की मैं इसकी बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या होगा दोस्त आपका, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, बीच में आई होता है, जिसको शो करता है हमारा ये पी टाइप मटेरियल हो गया। ये पी रीजन हमारा होता है दोस्तों, ये एन रीजन, और ये होता है, ये मटेरियल प्रोसेस करता है आपका इंट्रेंसिक को, ठीक है ना। ये चीज शो करती है आपकी दोस्तों इंट्रेंसिक को शो करती है, ठीक है ना। पी आई एन डायोड उसको बोलते हैं। तो यह पी पॉजिटिव, यानी पी क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्या होगा पी पॉजिटिव, ठीक है ना, वह एन पॉजिटिव, यानी पी भी होता है आई होगा, एक मटेरियल क्या होगा एन पॉजिटिव प्रकार का क्या होता है दोस्तों हमारा, एक डायोड होता है, ठीक है ना, जिसमें आई इंट्रेंसिक मटेरियल प्रदर्शित करता है, यानी जिसमें जो आई होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, आपके इंट्रेंसिक मटेरियल को, वो क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यानी जो आपका दोस्तों आई मटेरियल होगा इसमें किसको प्रदर्शित करेगा, आपका इंट्रेंसिक मटेरियल को प्रदर्शित करता है। पी एन जंक्शन पर होगा क्या होता है आपका डायोड होता है, यानी बीच में क्या होता है एक आई मटेरियल होता है जिसमें पी होता है वो पॉजिटिव रीजन होता है, एन भी क्या होगा वो भी निगेटिव, वो भी पॉजिटिव होगा हमारा, यानी पी और एन टाइप मटेरियल जो होंगे आपके, यानी ऐसा इसको इस प्रकार से ही बोल सकता हूँ दोस्तों, इसको जो बनाया जाता है हमारा पी पॉजिटिव और एन निगेटिव के बीच में सैंडविच करके, यानी आई इंट्रेंसिक मटेरियल को सैंडविच करके क्या बनाया जाता है हमारा पी आई डायोड को दोस्तों आपका निर्माण किया जाता है, यह हमारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों आपका, कि जो हमारा इसमें एक इंट्रेंसिक लेयर को, ठीक है ना, ये लिख देते हैं, इसमें एक इंट्रेंसिक लेयर को, ठीक है ना, क्या बोल सकता है इसमें, इसमें एक इंट्रेंसिक लेयर को आपकी एक पी टाइप तथा एन टाइप के बीच, एक पी टाइप तथा एन टाइप के बीच, एन टाइप के बीच क्या कर रहे दोस्तों आपको एक सैंडविच करके, सैंडविच करके बनाया जाता है। यानी देखिए दोस्तों दो मटेरियल है आपका, एक पी टाइप मटेरियल है और ये क्या है आपका एन टाइप मटेरियल है, दोनों के बीच में क्या कर देता है आई टाइप को सैंडविच करके बनाया जाता है हमारा पी आई एन डायोड, ठीक है ना। इसका रिस्पांस टाइम क्या होता है दोस्तों, कम होता है, जो इसका रिस्पॉन्स टाइम होगा बहुत ही कम होता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम ओवर डायोड की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों कम होता है, आपको पॉइंट याद रखना है, क्या होता है इसका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है आपका कम होता है, और यह सदैव रिवर्स बायस में क्या करता है कार्य करता है, यह भी क्या करता है दोस्तों आपका रिवर्स बायस में, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, यानी रिवर्स बायस में क्या करता है ये कार्य करता है, वर्क करता है, रिवर्स बायस में क्या करता है आपका ये कार्य करता है, कि पी एन जंक्शन प्रकार का जैसे डायोड होता है दोस्तों उसी प्रकार का होता है, बस इसमें क्या होता है हमारा एक आई मटेरियल के इंट्रेंसिक मटेरियल बीच में क्या होता है एन भी जो ऐड हो जाता है सैंडविच करके बना देते हैं इसको, पी पॉजिटिव होता है एन भी क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है हमारा, और इस प्रकार से क्या बनता है हमारा पी एन डायोड मिलकर बन जाता है। इसमें एक इंट्रेंसिक लेयर को एक पी और एन टाइप मटेरियल की सैंडविच करके बनाया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो कम होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है आपका ये हमेशा ऑपरेट आपका होगा, ठीक है ना, किस में ऑपरेट होता है आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है दोस्तों। बात करता हूँ इसमें थोड़ा सा और, कि
इसमें आपका क्या होता है दोस्तों, डिप्लीशन जो होती है आपकी, डोपिंग होगी, डोपिंग कम होती है। डोपिंग क्या रहेगी इसकी, कम होती है जनरली हमारी। डिप्लीशन भी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसका पीआईवी भी ज़्यादा होता है, टर्न ऑफ टाइम भी ज़्यादा होगा। यानी इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आपने नोट कर लिया हो तो रफ कर देता हूँ और फिर इसमें आपको बताता हूँ थोड़ा सा और पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। पॉइंट ही आपसे पूछा जाएगा, फालतू चीज आपसे नहीं पूछेगी। ये आप पेपर देंगे दोस्तों तो पेपर में तो आपसे चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से राइट ऑप्शन को आपको लगाना होता है। ठीक है ना, बात करता हूँ उसकी डोपिंग की। देखिए अगर बात करो डोपिंग की, डोपिंग हमारी जनरली कम हो जाएगी, डोपिंग कम होती है इसकी जो डिप्लीशन विड्थ की बात करो, डिप्लीशन जो विड्थ होती है दोस्ती, डिप्लीशन विड्थ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी जो पी आई वी होती है वो क्या होती है दोस्तों, आपकी ज़्यादा होती है। पिक इनवर्स वोल्टेज भी क्या होगी सर की हमारी, ज़्यादा होगी। और जो टर्न ऑफ टाइम होगा वो भी क्या होगा हमारा, ज़्यादा। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। टर्न ऑफ टाइम भी क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है। टर्न ऑफ टाइम की बात करूँ तो भी क्या होता है इसका, डायोड का ज़्यादा होता है हमारा। और इसमें याद रखना है कि डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी हमारी, यानी डिप्लीशन विड्थ जितनी ज़्यादा हमारी बढ़ जाएगी उतना इसका क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको दोनों में याद रखने हैं कि डिप्लीशन विड्थ जो होती है आपकी दोस्तों, डिप्लीशन विड्थ जितनी बढ़ जाएगी टर्न ऑफ टाइम भी डायोड का क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है, ये इंक्रीज होगा तुम्हारी पी आई वी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज़ की, बात करते हैं, बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो जो मोस्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे दोस्तों, देखिए बात करूँगा आपसे कि लोअर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है ना, बात करेंगे लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर। किस पर आपका, लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर बात करें, यह रेक्टिफाइड डायोड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, यानी लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर, यानी फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है आपकी, लो है, यानी लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर यह है एक रेक्टिफायर डायोड की तरह क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। रेक्टिफायर डायोड की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। यानी जो देखिए दोस्तों आपकी जो लो रेंज फ्रिक्वेंसी पर क्या करता है, एक रेक्टिफायर डायोड की तरह कार्य करता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पर दोस्तों एक लीनियर रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, बात करो आपकी फॉर हायर पे, ठीक है, लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर यह एक रेक्टिफायर डायोड की तरह कार्य करता है, जैसे जनरल डायोड होता है और पीएन जंक्शन डायोड होता है इस प्रकार से। और बात करना चाहूंगा मैं आपसे फॉर हाई फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है ना, फॉर हाई फ्रिक्वेंसी बात करें, फॉर हाई फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है ना, बात करते हैं दोस्तों किस पे, हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर दोस्तों किसकी तरह बिहेव करता है हमारा, एक लीनियर रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, किसकी तरह आपका, लीनियर रेजिस्टेंस की तरह, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, कि क्या करता है फॉर हाई रेंज फ्रिक्वेंसी पर, क्या करता है कि लीनियर रेजिस्टेंस की तरह क्या करता है आपका व्यवहार करता है। ठीक है, और इसका यूज जो होगा हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, किसमें आपका, आपका ध्यान रखना है इसको, और यूज कहाँ करेंगे, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं आपका जनरली इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं कि पहले लिखता हूँ उसमें हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, पहला इस्तेमाल जो करेंगे कहाँ पर करेंगे, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में करेंगे। हाई वोल्टेज जो आपके रेक्टिफायर होंगे उसमें क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी जहाँ पर आपको रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में करता है, जहाँ पर ज़्यादा एसी को इस डीसी में बदलना होगा आपको, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में क्या करते हैं, पी आई डायोड का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं, डबल ओवर करते हैं दोस्तों, माइक्रोवेव मिक्सर में कर सकते हैं। ठीक है, और ड्यूप्लेक्सर जो हमारे होते हैं, ड्यूप्लेक्सर जो होते हैं हमारे, ड्यूप्लेक्सर वगैरह में भी क्या करते हैं इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ड्यूप्लेक्सर में भी क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली क्या करेंगे, जिन ये सब जो हाई वोल्टेज हमारी बात हो रही हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, और क्या होगा, इन डिजाइनिंग ऑफ एंटी ट्रांसमिट रिवर्स स्विच के रूप में भी क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोवेव मिक्सर भी होता है, एक आता है हमारा माइक्रोवेव मिक्सर में भी क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना है कि हाई वोल्ट रेक्टिफायर की तरह करते हैं, ड्यूप्लेक्सर में करते हैं, माइक्रोवेव मिक्सर में करते हैं, और हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, इस पीएन डायोड का हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर अगले डायोड पर बढ़ते हैं।
तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, सारे पॉइंट आपको लोगों को इसमें याद रखने हैं, ठीक है ना। कि पॉइंट ही पूछे जाते हैं दोस्तों, पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारा आई होता है, आई किसको दर्शाता है, हमारा इंट्रिंसिक मटेरियल को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। टर्न ऑफ टाइम क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है। पीआईवी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिप्लीशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगी, डोपिंग कम होती है। यूज़ कहाँ कर देंगे, लोअर रेंज फ्रिक्वेंसी पर एक रेक्टिफायर डायोड की तरह बिहेव करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारा लीनियर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। यूज़ हम आपको याद रखना है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले डायोड को बढ़ते हैं, चलिए आपके स्पेशल प्रोफेशन डायोड है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपके पेपर में आ जाता है। वो जनरली सबको पता होता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है, तो हमें थोड़ा अलग डायोड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पीएन डायोड हो गया, एक आता है भाई हमारा गन डायोड, ठीक है ना। क्या आता है हमारे गन डायोड आता है, उसको क्या आता है, गन। क्या आता है हमारा गन डायोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गन डायोड बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको बताएंगे कि गन डायोड क्या होता है। इस बात करते हैं इसके सिंबल की, तो सिंबल किस प्रकार का होगा इसका, सिंबल भाई इसका इस प्रकार से होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, यानी दो पे डायोड इस प्रकार से भाई क्या है हमारे, ये कनेक्ट है भाई, एक इधर से और इस तरह से। तो ये जो होता है हमारा क्या होगा, इसका सिंबल हो जाता है किसका भाई, आपका गन डायोड का, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है हमारा, गन डायोड का सिंबल हो जाता है, इसमें आपको याद रखना है। और इसमें देखिए ये जो पूरा मटेरियल है आपका दोस्तों, पूरा एन टाइप का बना होता है, इसमें पी टाइप मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसमें पीएन जंक्शन नहीं होता, इसमें याद रखना है। और जो गन डायोड आपका होता है, मैं आपको लिख देता हूँ कि इसमें, यानी इस डायोड में पीएन जंक्शन नहीं होता है, पीएन जंक्शन दोस्तों नहीं होता है, याद रखना आपको, ठीक है ना। यानी एक ऐसा डायोड जिसमें पीएन जंक्शन नहीं होगा, तो किसमें नहीं होगा, आपका गन डायोड में। यानी गन डायोड में किसी प्रकार का पीएन जंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों, कि किसमें जो जंक्शन होते हैं आपके, एन टाइप मटेरियल ही होता है दोस्तों। क्या होता है, एन ही होते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दो एन टाइप मटेरियल, दो एन पॉजिटिव मटेरियल के बीच में एक एन टाइप रखते हैं बस। ये देखिए, यानी ये एन पॉजिटिव, ये भी एन पॉजिटिव, और बीच में क्या रहेगा आपका, एन मटेरियल रहेगा। तो पीएन जंक्शन तो रहा ही नहीं, तो सारे जंक्शन एन ही है। यानी इस प्रकार के मटेरियल में, किसी प्रकार का पी डायोड में आपका पीएन जंक्शन नहीं होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसका इस प्रकार से क्या होगा हमारा, ये भी इसका क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारा सिंबल है इसका, आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। और दोनों दोस्तों क्या होता है, पूरा ये हमारा हैवली डोप्ड होते हैं, ठीक है ना। जो एन पॉजिटिव लिखा है दोस्तों आपका, तो ये क्या होता है हमारे, हैवली डोप्ड होंगे, ठीक है ना। यानी जो दोनों मटेरियल है मेरे, एन पॉजिटिव मैंने लिखा है दोस्तों, ये मेरे क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं मेरे, इसको लिख सकता हूँ मैं हैवली डोप्ड। ये क्या होते हैं मेरे, हैवली डोप्ड होते हैं, ठीक है ना। हैवली डोप्ड होते हैं, लाइटली नहीं होते, क्या होते हैं दोस्तों, हैवली डोप्ड होते हैं। तो इस प्रकार में कोई पीएन जंक्शन नहीं होगा। इसके बात करें तो दोनों तीनों क्या होगा, ये इधर भी एन टाइप मटेरियल होगा, इधर भी एन टाइप मटेरियल होगा, और ये दोनों मटेरियल जो होंगे आपके क्या होंगे, हैवली डोपिंग होंगी, यानी क्या होंगे हमारे, हैवली डोप्ड होते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। और यह ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यह ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस है। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफर इलेक्ट्रोड, लिख देता हूं मैं इसको, ट्रांसफर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस है, ट्रांसफर करता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या करता है दोस्तों आपका, कंट्रोल करता है। अब एन टाइप मटेरियल है भाई, तो उसमें मेजोरिटी की संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है ना। एन टाइप मटेरियल है भाई हमारा, तो क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है। और इसमें केवल एन टाइप का ही प्रयोग किया जाता है, इसे बनाने में क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, केवल आपका एन टाइप मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एन टाइप मटेरियल क्या करेंगे इसमें आपका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसे बनाने में क्या करेंगे, एन टाइप मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा, गन डायोड होता है, सिंबल ही होता है, इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, और एन टाइप मटेरियल का ही क्या करते हैं दोस्तों आपका, यूज़ किया जाता है या बनाया जाता है हमारा। और यह निगेटिव रेजिस्टेंस पर कार्य करता है। निगेटिव इसका क्या होता है, जनरली हमारा निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या करता है दोस्तों आपका, कार्य करता है। यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों, क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है ना। याद रखना है आपका,
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, वो क्या होती है हमारी निगेटिव, यानी निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या करता है दोस्तों हमारा कार्य करता है हमारा जनरली, इतना आपको इसमें याद रखना है जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और बात करो इसे बनाने में दोस्तों, तो इसे बनाने में क्या करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आपने इसको नोट कर लिया दोस्तों तो रफ कर देते हैं। पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों कि पॉइंट ही आपसे पूछा जाता है कि इसको और क्या बोल सकते हैं, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होती है एक प्रकार का, जो गन डायोड जो होगा आपका वो क्या होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या करता है कंट्रोल करता है, ठीक है। और बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है, केवल एन टाइप मटेरियल का ही क्या किया जाता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कोई पी प्रकार का मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और जो दोनों आपके जो एन टाइप मटेरियल है दोस्तों वो क्या होते हैं हमारे हैवी डोप्ड होते हैं, डोपिंग कैसी रहती है इनकी हैवी रहती है, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो निगेटिव प्राप्त होती है, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और सब बनाने में क्या करते हैं दोस्तों, गैलियम आर्सेनाइड क्या करते हैं यूज करते हैं, आपको पता था गैलियम ऑर्सेनेट का करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपको इसमें याद रखना है। और इसमें क्या होता है दोस्तों हमारे, इसमें आपको जैसे बताया था कि दो, इसमें दो उच्च डोप्ड एन के बीच में एक निम्न डोपिंग एन टाइप मटेरियल होता है, यानी इसको लिखा है मैंने एक ये है और आपका ये क्या होते हैं हमारे हैवी डोप्ड होते हैं, ये दोनों क्या हैवी डोप्ड है, परंतु ये जो बीच का जो मटेरियल होता है भाई हमारा बीच का जो एन टाइप मटेरियल है ये क्या होता है लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है ना, ये क्या हमारा लाइटली डोप्ड होगा, ये क्या होगा हमारा लाइटली डोप्ड होगा या लाइटली डोपिंग होती है, यानी दो हाइवली डोप्ड मटेरियल के बीच में एक लाइटली डोप्ड मटेरियल बनकर क्या मिल जाता है हमारा गन डायोड बनकर तैयार हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, आपका इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस ही बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को क्या करता है कंट्रोल करता है। बनाने के लिए क्या करते हैं आपका गैलियम आर्सेनाइड भी क्या करते हैं जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और इत्यादि के अर्धचालक पदार्थ का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, आपको इसमें याद रखना है गैलियम आर्सेनाइड का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जंक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, बात करते हैं इसके इस्तेमाल कहाँ आता है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल करेंगे ओसिलेटर में या एम्पलीफायर में, ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं इसका ओसिलेटर्स में या एम्पलीफायर्स में क्या करते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं, यूजेस कहाँ करते हैं इसका आपका, यानी ओसिलेटर बनाने में या एम्पलीफायर बनाने में दोस्तों क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, और आपका कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन या, ठीक है ना, और कहाँ करते हैं ओसिलेटर हो गया एम्पलीफायर हो गया बनाने में या आपका रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है आपका, ठीक है ना भाई, यानी रेडियो कम्युनिकेशन जो आपका होता है भाई उसको क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यानी रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है और आपका ओसिलेटर या एम्पलीफायर सर्किट में इसको बनाने में क्या कहता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है भाई हमारा गन डायोड होता है, ठीक है ना, आपको इसमें याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा गन डायोड हो गया, तो ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीएन डायोड क्या होता है हमारा और गन डायोड क्या होता है, स्पेशल पर्पस डायोड में आते हैं हमारे, दोनों का आपको पता होना चाहिए, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूजेस सबका पता होना चाहिए, डोपिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी मटेरियल की डोपिंग लाइटली होती है, किस मटेरियल की डोपिंग हैवली होती है, कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। सिंबल पता होना चाहिए आपको, और इसमें पॉइंट आप लोगों को ये आपको बता दिए हैं, इसको आप देख लेना। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।